हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आज हम मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 20 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मुगल वंश। लास्ट पार्ट में हमने मुगल वंश स्टार्ट किया था, आगे के क्वेश्चन हम आज के पार्ट में कवर करने वाले हैं। मेडाइवल हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, महमूद गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। मुगल वंश हमारा चल रहा है, तो आज हम उसके क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, वहां पर मैं आपको साइंस, जीके और करंट अफेयर्स पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 1 टू पार्ट 19 मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और ऐसे ही हमने एंशंट हिस्ट्री के भी पार्ट 1 टू पार्ट 13 तक कंप्लीट कर लिए, तो आपको अगर एंशंट हिस्ट्री के देखने हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सेशन रहेगा हिस्ट्री के ऊपर, मध्यकालीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा मुगल वंश और पार्ट रहेगा हमारा 20। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये। हमारा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, नूरजहां, जोधा या फिर अनारकली। तो बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, गुलबदन बेगम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहन थी। तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा जैसी पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के एक भाग से बाबर के विषय में जानकारी मिलती है, तो वहीं इस पुस्तक के दूसरे भाग से हुमायूं के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको आंसर करना है गुलबदन बेगम। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो भी आप क्या आंसर करेंगे, गुलबदन बेगम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हुमायूं नामा की रचना किसने की, ठीक है, तो आपको क्या आंसर करना है, गुलबदन बेगम। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरा का किला या फिर हवा महल। तो जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और यह इमारत पिरामिड आकार में बनी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये जो इमारत है वो पिरामिड आकार में बनी है, और यह भवन नालंदा में निर्मित बौद्ध विहार से प्रेरित है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि पंचमहल किस में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था। हमारे ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर। तो जो बीरबल था वो अकबर के अदालत में एक सलाहकार था, तो उसका आंसर अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है इसको। तो बीरबल जो था वो अकबर के अदालत में एक सलाहकार था, और अकबर ने इसे राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान किया था। ये भी पूछा जाता है कि कवि प्रिय की उपाधि किसको दी गई थी, तो बीरबल को दी गई थी। किसने दी थी? अकबर ने। ठीक है, और बीरबल का वास्तविक नाम पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए, महेश दास। ठीक है, महेश दास, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया। हमारे ऑप्शन है हवा महल, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल।
ठीक है। तो ताजमहल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है और मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को बन ही जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, तो अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? हमारे ऑप्शन है तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल या फिर मानसिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म पूछ लिया जाता है कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्वालियर में हुआ था। और तानसेन को अकबर के जो नौ रत्न थे उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो नौ रत्न में भी कौन शामिल था, तानसेन शामिल था। इसके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। ये पूछा जाता है कि अकबर ने तानसेन को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, कंठा भरण वाणी विलास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस उपाधि से सम्मानित किया था किसने, अकबर ने सम्मानित किया था तानसेन को। ठीक है, तो और तानसेन की जो प्रमुख कृतियां थी वो थी मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग, दरबारी कान्हा आदि। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? हमारे ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरा का किला या फिर कुतुब मीनार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को पता नहीं रहता है लेकिन आपको आज से पता रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने, किसने, जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। ठीक है, और शाहजहां की बड़ी बेटी जो थी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये दोनों पॉइंट है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला, आगरा का किला या फिर कुतुब मीनार। तो जो बुलंद दरवाजा है वो आगरे का जो किला है उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1572 ईस्वी में आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन ये बनता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने गुजरात विजय के बाद 1572 ईस्वी में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, किसने कराया, अकबर ने कराया। जो आगरा का किला है उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है बुलंद दरवाजा। ठीक है, तीन क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किसका पुत्र था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आप सभी को बन ही जाना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। तो औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में कैद कर लिया था। किसने, औरंगजेब ने, किसको, शाहजहां को, आगरा के शाह बुर्ज में कैद कर दिया था। और इसके कैदी जीवन में एकमात्र सहारा इसकी बड़ी बेटी जहान आरा थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल या फिर मानसिंह। तो विश्वसनीय सेनापति अकबर का जो था वो था मानसिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। तो मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति मानसिंह था।
हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ठीक है, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के जो एक शासक थे महाराणा प्रताप को पराजित किया था, यह आपको याद रखना है। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था मानसिंह एवं आसफ खान ने किया था, और मानसिंह से संपर्क होने के बाद अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? हुमायूं का मकबरा, लाल किला, आगरा का किला या फिर कुतुब मीनार? तो मोती मस्जिद जो है वो लाल किला विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। क्वेश्चन बनता है ये आपको याद रखना है। मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया है किसने कराया है? शाहजहां ने कराया है, ये आपको याद रखना है कि निर्माण इसका किसने कराया? शाहजहां ने कराया है। तो वहीं औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। जो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने कराया है, और दिल्ली के लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, और शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो वहीं शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मैं दो पॉइंट आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि मोती मस्जिद किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, तो लाल किले में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर दिल्ली के लाल किले की बात करें, उसमें जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने, और आगरा के मोती मस्जिद की अगर मैं बात करूं तो उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? हुमायूं का मकबरा, लाल किला, आगरा का किला या फिर कुतुब मीनार? तो जो खास महल और शीश महल का निर्माण है वो आगरा के किले में किया गया था। कहाँ किया गया था? आगरा के किले में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण या निर्माण होगा मिसप्रिंट हुआ है, किसके लिए किया था? हमारे ऑप्शन है महबूबा, महजबीन, मुमताज या फिर मरजानी। तो शाहजहां ने, मैंने अभी बताया आपको, ताजमहल का निर्माण कराया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के तट पर कराया। ताजमहल की नींव 1631 ईस्वी में रखा गया था, जो 1653 ईस्वी में तैयार हुआ था। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण में कुल 22 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 22 इयर्स लगे थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार जो था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। नाम नोट कर लीजिए, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो वहीं ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद इर्शा खान ने तैयार किया था। तो रूपरेखा किसने तैयार किया था? उस्ताद इर्शा खान ने। मुमताज का वास्तविक जो नाम है वो है अर्जुबन बानो बेगम। तो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि अर्जुबन बानो बेगम, तो ये भी आपको याद रखना है, इसको टिक करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट करता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सब बता देंगे कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया था, तो अपनी बेगम मुमताज के लिए कराया था। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया कि ताजमहल की नींव कब रखी गई, 1631 में, बनकर कब तैयार हुआ, 1653 में, कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष लगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार जो था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी था, और इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो की थी उस्ताद इर्शा खान ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बाबर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। तो नूरजहां की शादी हुई थी वो 1611 ईस्वी में हुई थी। किसके साथ हुई थी? जहांगीर के साथ हुई थी, और नूरजहां की जहांगीर के साथ ये दूसरी शादी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि नूरजहां
की जहांगीर के साथ ये दूसरी शादी थी। नूरजहां की पहली शादी अली कुली बेग के साथ हुई थी, अली कुली बेग के साथ हुई थी पहली शादी, और दूसरी जहांगीर के साथ हुई। और अली कुली बेग को इतिहास में हम शेर अफगन के नाम से जानते हैं। इस विवाह के फलस्वरूप नूरजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम लाडली था, और लाडली की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। ठीक है, तो आपको ये इतना याद रखना है कि नूरजा किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, जहांगीर की, और उसकी जो पहली शादी हुई थी वो किसके साथ हुई थी, अली कुली बेग के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, 1539, 1540, 1541 या 1542। तो जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। पहले तो ये याद रखना है कि आपको किस किस के बीच में हुई है, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई है। कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, या तो कन्नौज भी आ सकता है या फिर बिलग्राम का युद्ध भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध भी ऐसा लिखा सकता है, या कन्नौज की लड़ाई लिखा सकती है, सिर्फ बिलग्राम की लड़ाई भी लिखी जा सकती है। तो 1540 आपको टिक करना है। और इस युद्ध में हुमायूं पराजित होकर अपने छोटे भाई हिंदाल के पास सिंध चला गया, जहां पर उसने 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, तो इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था, हुमायूं। किसकी जीत हो गई थी, शेरशाह। हुमायूं क्या कह रहे, भाग गया था कहां, अपने छोटे भाई हिंदाल के पास सिंध चला गया था, 15 वर्षों तक वहां पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, बाबर, अकबर, बहादुर शाह या फिर औरंगजेब। तो अंतिम मुगल बादशाह की अगर हम बात करते हैं, तो अंतिम जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, ये आपको याद रखना है। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, और उसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है। सभी मुगल बादशाह फारसी में लिखते थे, लेकिन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्दू में लिखता था। ठीक है, तो ये बाकी सब फारसी में लिखते थे, ये उर्दू में लिखता था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। Thank you friends for watching. Have a nice day. Thank you.